तो देखिएगा, दिस इज अ चेयर। ओके, तो हमको इसके ऊपर चढ़ना है। ओके, बैलेंस बना के अच्छे से पांच बनाएंगे, पूरा बॉडी दिखेंगे, पांच तोड़ के धीरे धीरे सामने उतर जाएंगे। ठीक है, अपने आप को यहां से हम चेयर जो पैर होते हैं जो नीचे की तरफ गए हैं उन पे अपने फिंगर्स को स्क्रोल कराना है और ऐसे हंच बनना ही बनाना है, स्पंज स्टेट। और धीरे धीरे अपने फिंगर्स को नीचे ले जाइए, घुटने सीधे। हो गया, यहां से अपने चिन को घुटने से जितना नीचे हो सकता है उतना ले जाने का प्रयास करेंगे। चिन को घुटने से नीचे की तरफ टच करेंगे ना, होल्ड करेंगे इस तरीके से। पेट खाली करो, हाथ नीचे जितना नीचे जा सकते, और यहां से दोनों कंधों के बीच में से हेड जाएगा और होल्ड करेंगे। अब रही बात, आपके पास में प्लास्टिक की चेयर होगी या बैकलेस चेयर नहीं होगी, तो प्लास्टिक की चेयर से कैसे करना है? ओके, तरीके से प्लास्टिक की चेयर के ऊपर वैसे ही करना है। चाहो तो यहाँ तो दिक्कत करेगा आपको ग्रिप होने में, तो ये यहाँ पर आराम से आपको ग्रिप हो जाएगा, नी स्ट्रेट रहेगा। और अब यहां से हमारी एल्बोस बैंड होगी और एल्बोस नीचे की तरफ जाएगी, सांस भरेंगे। अब यहाँ पर ये कोना रहता है ना, तो यहाँ पर गड़ सकता है आपको, तो यहाँ पर कुछ रख लेना चाहो तो इस तरीके से। ये रख लोगे ना तो आपको गड़ेगा नहीं, तो ये कोना होता है जो बहुत ज्यादा नुकीला होता है, ये कर सकते हैं अपने फिंगर से। वैसे रख लोगे, वैसे पकड़ोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आप करके दिखाइए एक बार। कमॉन, यस, गो फॉरवर्ड, आराम से बैलेंस बना के, हाँ नीचे ले जाइए हाथों को, इसको द फिंगर्स मोर नी स्ट्रेट। हाँ, अब अपने सिर को अपने घुटने की तरफ ले जाइए, वेरी गुड, नी स्ट्रेट करो, अभी घुटने मोड़ रहे थोड़े से, चिन को टच करो, घुटने सीधे एंड होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, वेरी गुड, 16, 17, 18, 19, 20।